हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि बेल बॉन्ड कैसे भरा जाता है, बेल बॉन्ड भरने की ज़रूरत क्या पड़ती है, बेल बॉन्ड भरने की क्या प्रक्रियाएं हैं। तो इस टॉपिक को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी मुजरिम को जेल में डाला जाता है तो जेल में डालने के बाद वो बेल एप्लीकेशन, उनके परिजन जो है बेल एप्लीकेशन किसी वकील साहब की मदद से कोर्ट में फाइल करवाते हैं। कोर्ट में बेल एप्लीकेशन सुनने के बाद जज साहब यदि बेल ग्रांट करते हैं तो बेल ग्रांट करने के बाद उसे बेल बॉन्ड भरने की ज़रूरत पड़ती है। किसको? जो एक्यूज्ड है यानी जो मुजरिम है, उनके जो परिजन हैं, उनमें से जो कोई उनको अस्योरिटी देगा, जमानती बनेगा, उनको बेल बॉन्ड भरने की ज़रूरत पड़ती है। अब बेल बॉन्ड कब भरा जा सकता है? देखिए, आज यदि बेल ग्रांट हुआ तो आप सेम डेट में भर दीजिए, एक दिन बाद भर दीजिए, दो दिन बाद भर दीजिए, पाँच दिन बाद भर दीजिए। जितना जल्दी बेल बॉन्ड आप भरेंगे उतने जल्दी आपका मुजरिम, आपके जो व्यक्ति हैं जो जेल में हैं, वो निकलेंगे जेल से बाहर। तो बेल बॉन्ड भरने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है कि बेल बॉन्ड में किस क्या डिटेल्स लिखना पड़ता है। बेल बॉन्ड में एक्यूज्ड का डिटेल लिखना पड़ता है और जो व्यक्ति स्योरिटी बनते हैं, जमानती बनते हैं, उनका डिटेल भरना पड़ता है। और स्योरिटी के रूप में वो जिन डॉक्यूमेंट को लगाते हैं वो डॉक्यूमेंट का डिटेल देना पड़ता है। जैसे कि गाड़ी का यदि आप आरसी देते हैं तो उसका डिटेल भरिए, एफडी लगाते हैं तो उसका डिटेल भरिए, ज़मीन का पेपर लगाते हैं वो डिटेल भरिए। यानी जो पेपर आप लगाते हैं जमानती के रूप में, उस पेपर का डिटेल उसमें देना पड़ता है। पीछे साइड जो है जमानत, जो बेल बॉन्ड का फॉर्म होता है 45 नंबर फॉर्म, उसके साइड आप पीछे साइड में एफिडेविट रहता है जिसमें जो जमानती, जो सिक्योरिटी बनता है उनका वहाँ पे डिटेल पीछे भी भरा जाता है। और उसके बाद उनका साइन होता है। साइन होने के बाद जब बेल बॉन्ड आप भर देते हैं तो फिर जज साहब के सामने वो बेल बॉन्ड जाता है। बेल बॉन्ड के साथ आधार कार्ड और उनकी फ़ोटोग्राफ जो होता है, जो जमानती हैं उनके एक फ़ोटोग्राफ भी लगता है, वो वहाँ पे सबमिट होते हैं। फिर जज साहब के द्वारा उनको पूछा जाता है, जमानती को, कि क्या आपके ये कौन लगते हैं जो एक्यूज्ड हैं, इनको आप कितने दिन से जानते हो, आप जमानती बन रहे हो तो आपको इस पर विश्वास है कि ये जेल से निकल के फिर कुछ गलत तो नहीं करेगा। इन सारे क्वेश्चन को जज साहब के द्वारा पूछा जाता है। जज साहब जब पूछते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं, ये बंदा या बंदी सही है जिन्होंने जमानती के रूप में यहाँ पे आया हुआ है, तो फिर पुलिस वाले को, हर एक थाना का एक पुलिस ऑफिसर कोर्ट में रहता है, पुलिस वाले को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं कि इस बेल बॉन्ड पे जो भी डिटेल है जमानती का, उस डिटेल पे जाके इसका वेरिफिकेशन करें। और यदि मान लीजिए एफडी यदि दिया हुआ है तो एफडी सही है नहीं है क्या है, वो बैंक से भी उसको वेरीफाई करना पड़ता है। और वो रिपोर्ट जब उनके एड्रेस पे वो जाते हैं, वो सारा पता कर लेते हैं कि जो जमानती है उसका एड्रेस यही है, सही एड्रेस है। वहाँ से फिर जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जाते हैं, जिनको ये भार दिया जाता है, वो फिर अपना रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हैं। रिपोर्ट यदि सही रहता है तो बेल मिल जाता है, फिर वहाँ से कागज़ बन के जाता है जेल, जो कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा ही, कोर्ट के जो व्यक्ति रहते हैं, अलमद के इंचार्ज या फिर अलमद इंचार्ज से जो नीचे पर्सन रहते हैं, जो भी हैं, एक कोर्ट के व्यक्ति होते हैं, वो जाते हैं जेल में लेके। वहाँ पे जाने के बाद जब जेल में वहाँ पे वो सबमिट कर देता है जेलर के पास, फिर उसके बाद जो है उस व्यक्ति को जेल से छोड़ा जाता है। और जेल से छोड़ने के बाद उसको ये नहीं है कि केस ख़त्म हो गया, केस ख़त्म नहीं होता है, केस चलता ही रहता है। जेल से तत्काल उसको छोड़ दिया जाता है कि आप प्रत्येक डेट पे, जब जब डेट लगेगा प्रत्येक डेट पे आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, यदि आप नहीं आएंगे तो पुनः आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुनः आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलेगा और आपको गिरफ्तार करके कोर्ट जेल में भेज दिया जाएगा। तो ये प्रक्रियाएँ होती है बेल बॉन्ड भरने की। जब बेल ग्रांट होता है तो जितने का सिक्योरिटी बोलते हैं, जैसे आप ऑर्डर में लिखाते हैं, उतने का सिक्योरिटी लेके आपको कोर्ट में
जमानती के रूप में पेश करना होता है। बेल बॉन्ड का फॉर्म नंबर 45 है, जैसा कि मैंने अभी बताया है। तो मुझे आशा है अब आप लोगों को जानकारी मिल गया होगा कि बेल बॉन्ड क्या होते हैं और बेल बॉन्ड भरने की क्या प्रक्रियाएं होती हैं, बेल बॉन्ड में क्या क्या डिटेल्स भरने पड़ते हैं। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।